नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत फ्रांस रिश्तों का नया दौर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीति पर होगी चर्चा। फ्रांस के सहयोग से बन रहे जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर भी समझौते की उम्मीद। कल दिल्ली पहुंचे थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट जाकर गर्मजोशी से किया था स्वागत। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर पहले राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन की अब से कुछ देर में होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। देश भर के 200 जनप्रतिनिधि अनुभवों को करेंगे साझा। वरिष्ठ नेता विकास में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के बारे में विधायकों का करेंगे मार्गदर्शन। सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चौतरफा स्वागत। स्वास्थ्य और कानूनी विशेषज्ञों ने कहा, लाइलाज मरीजों को सपोर्ट सिस्टम पर जीने के दर्द से मिलेगा छुटकारा। संविधान पीठ ने नियम और प्रक्रियाओं के लिए जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले सरकारवाह का चुनाव आज। नागपुर में चल रहे आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सम्मेलन में 3 साल का खाका होगा तैयार। देश भर के 1500 प्रतिनिधि और 39 संगठन ले रहे हैं हिस्सा। और दक्षिण कोरिया के खिलाफ हॉकी सीरीज में भारतीय महिला टीम की 3-1 से अजेय बढ़त। सियोल में 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया। रविवार को सीरीज का आखिरी मैच। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का शुक्रवार रात दिल्ली पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे और मैक्रों को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पहली भारत यात्रा पर पहुंचे मैक्रों और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद राजघाट जाएंगे और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज होने वाली शिखर वार्ता में आतंकवाद से निपटने और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है। इसके अलावा आज शाम राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन के स्वागत समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग संगठन के संस्थापन सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान वो आगरा और वाराणसी भी जाएंगे। आज वो CEO फोरम की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और बीकानेर हाउस में छात्रों से मुलाकात करेंगे। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस बारे में आज दोनों देश साझा घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा से हिंद प्रशांत में भारत के लिए फ्रांस के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने का रास्ता खुल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज होने वाली शिखर वार्ता के एजेंडे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की संयुक्त रणनीति बनाना प्रमुख है। अबू धाबी और जिबूती में फ्रांस के नौसैनिक अड्डे हैं, जहां भारत भी अपने बेड़े लगा सकता है। समझौते के तहत फ्रांस भी भारत के नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकता है। मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी आर वर्किंग टुगेदर विद फ्रांस। इट्स एन एरिया वेयर वी आर एक्चुअली सीइंग इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज एंड ऑफ द डे देयर्स लॉट ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट इन दैट एरिया। There is, an area that we see that we perhaps could join hands and take a cooperation forward. रक्षा उपकरणों की आपूर्ति दोनों देशों के रिश्तों में अहम है। इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रक्षा सहयोग से जुड़ी कंपनियों के 50 प्रमुख भी भारत आए हैं। फ्रांस से भारत 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता कर चुका है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस अहम भूमिका निभाना चाह रहे हैं। इसके लिए जहां दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग को लेकर समझौता होगा, वहीं रविवार को दोनों देशों की पहल पर दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शिखर सम्मेलन होगा,
जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे। वो मिर्जापुर में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 11 अरब डॉलर का व्यापार है। फ्रांस भारत में नवा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में फ्रांस की करीब 1000 कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि भारत की भी 120 कंपनियों ने करीब 1 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। भारत और फ्रांस दोनों का मानना है कि हिंद प्रशांत इलाके को किसी एक देश के दबदबे से मुक्त होना चाहिए। भारत ने ऐसी एक पहल जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी ली है। अब देखना यह है कि फ्रांस भारत के इस उद्देश्य में उस क्वाड के साथ शामिल होता है या भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर पर इसमें सहयोग करता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और आइए अब आपको सीधा हम राष्ट्रपति भवन लिए चलेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का औपचारिक स्वागत किया जाना है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और उनका यहां औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी पत्नी ब्रिगिट भी मौजूद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शुक्रवार देर रात 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की बात करें तो लगभग 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और हम ये भी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 5 फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट भी बने हैं। कितने अहम रिश्ते फ्रांस के साथ और ये दौरा इमैनुअल मैक्रों का कितना महत्वपूर्ण? हेलो, देखिए प्रीति, अभी जो आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से स्वागत हो रहा था फ्रांस के राष्ट्रपति का, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद ही जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया, उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री को गले लगाया, और कल जब गए थे जी अखिलेश, फिलहाल अखिलेश किया जी, एक तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं, एक समझदारी विकसित हो चुकी है। और वो समझदारी इस मामले में है कि न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में जो रणनीतिक इलाके हैं, रणनीतिक मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो सहयोग की बात है, वो सारे मंचों पर सहयोग का मामला शामिल है इसमें। और इस हिसाब से देखें तो भारत को फ्रांस के रूप में एक ऐसा सहयोगी मिला है जिससे आपके कोई टकराव नहीं है, आपके हर मामले पे एक समझदारी विकसित हुई है। और जहाँ तक संबंध है व्यापार की, उस व्यापार के मामले में भी जो हमें बताया विदेश मंत्रालय ने, उसमें भी बताया कि करीब करीब बैलेंस ट्रेड है, जितना फ्रांस हमसे आयात करता है उतना हम उसको निर्यात करते हैं। तो इस तरीके के माहौल में अगर राष्ट्रपति भारत आए हैं तो निश्चित तौर से काफी अहम है, और काफी अहम इसलिए है कि अभी देखिए एक प्रौद्योगिकता की तरफ कई कई ध्रुव बन रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण ध्रुव बनने की कोशिश में लगा हुआ है, और ऐसे में फ्रांस और भारत का सहयोग काफी अहम होगा। प्रीति, बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते कितने अहम रहे हैं, कितने मजबूत रहे हैं, और अब इन रिश्तों को अगले दौर में ले जाने की कवायद की जा रही है। सीधी तस्वीर आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। कल रात यानी शुक्रवार रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की। और फिलहाल औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें। अखिलेश, हम देखें तो भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, स्पेस, सुरक्षा, ऊर्जा से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है और मेक इन इंडिया से जुड़े कई बड़े रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। समझौतों की अगर बात करें तो क्या क्या अहम क्षेत्र रहने वाले हैं?
सबसे जो अहम बात है, रक्षा के जो समझौते होते हैं, रक्षा के समझौते इस तरीके से घोषित नहीं किए जाते हैं शिखर सम्मेलनों में। रक्षा समझौतों की एक अलग तकनीक होती है, उसका एक अलग प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया के तहत रक्षा समझौते होंगे, लेकिन नीतिगत जो फैसले होते हैं, नीतिगत फैसले इस शिखर सम्मेलन में लिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कल भारत और फ्रांस ने मिलकर संयुक्त रूप से पहली बार एक फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस बुलाया है उन देशों का जहां की सूर्य की रोशनी काफी है और जहां सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो इसमें तकरीबन 121 देश ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जहां सौर ऊर्जा काफी है और उसमें से 60 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है भारत और फ्रांस के साथ इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल करने के लिए। तो एक अहम जो समझौते का क्षेत्र और अहम सहयोग का क्षेत्र बन रहा है वह है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और इस पे यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक अलग से एक फिनांस का समझौता आज होगा और कल फ्रांस और सोलर अलायंस के मामले में आज फ्रांस के साथ द्विपक्षीय समझौता होगा और कल बहुपक्षीय घोषणा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और जो बड़ी घोषणा होने वाली है वह है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र जिसे कहते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में एक कोई विजन डॉक्यूमेंट, कोई संयुक्त रणनीति की घोषणा, इस तरह की घोषणा आने वाली है। अभी यह बताना पूरी तरह संभव नहीं है कि उसमें क्या होगा क्योंकि ये काफी गुप्त दस्तावेज होते हैं, लेकिन उसकी कुछ दिशा आज शिखर सम्मेलन के बाद जो एग्रीमेंट साइन होंगे उस एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा प्रीति। और यह काफी आम होने वाला है क्योंकि जिस तरह की प्रतिस्पर्धा इस पूरे हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र, पूरे अगर आप देखें तो अफ्रीका से लेकर पूरे मलक्का स्ट्रेट तक का जो एक आर्च बनता है, उस आर्च में पूरा पूरे भारी समुद्र है और इसमें बड़े पैमाने पे जो व्यापारिक हैं या युद्धपोत आते जाते हैं, तो इस पूरे इलाके में एक शक्ति संतुलन स्थापित हो, उस शक्ति संतुलन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान हो, इस मामले में भारत की कोशिश है और इसी कोशिश के तहत फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का एक बहुत अच्छा प्रेजेंस है इस पूरे इलाके में, उसमें भारत और फ्रांस दोनों को साथ मिलेगा और भारत इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनके साथ भी सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। तो यह एक अहम पूरे सहयोग का एक अहम क्षेत्र होने वाला है। बिल्कुल, ये अहम साझेदारी साबित हो सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं अखिलेश। और अगर देखें तो 2015 में जब नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे तब वहां के राष्ट्रपति फ्रांक्वा ओलांद ने उन्हें सीन नदी की सैर कराई थी अखिलेश, और इस दौरान देखें तो डिप्लोमेटिक चर्चा भी हुई। अगर इमैनुअल मैक्रों का ये दौरा देखें तो इस दौरान वो वाराणसी भी जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गंगा की सैर भी कराएंगे और इस दौरान भी चर्चा होगी। माना जाए एक तरह से ये बोट डिप्लोमेसी का एक नया ट्रेंड भी देखने को मिलेगा और करीबी आएगी दोनों देशों में। हाँ निश्चित तौर पर प्रीति, जैसा कि आपने बताया वहाँ पे नदी की सैर की और यहाँ भी नदी की सैर कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तकरीबन परसों 12 तारीख को करीब करीब दिन भर दोनों नेता साथ रहेंगे। तो डिप्लोमेसी के पर एक डिप्लोमेसी का एक खास बात यह होती है कि जो सर्वोच्च नेता है उन नेताओं के बीच में कितना समीकरण अच्छा बना है, व्यक्तिगत समीकरण कितना अच्छा बना है, कितना वे एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच किसी भी देश के बीच विदेश मंत्रालय। अखिलेश कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट उनके साथ मौजूद हैं। आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जा रहा है, कुछ ही पलों पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तमाम वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। 3 दिन के भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल रात दिल्ली पहुंचे हैं और 3 दिन का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस दौरान शिखर वार्ता होनी है इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समिट पर भी सबकी नज़रें रहेंगी जो कि कल होनी है और अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की ये पहली समिट है जिसका इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन की।
भारत में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर हो रहे इस सम्मेलन की तैयारी पिछले एक महीने से चल रही है। दो दिवसीय सम्मेलन में देश के सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे और विकास से जुड़े मसलों पर मंथन करेंगे। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष देश के चुनिंदा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तारित जनप्रतिनिधि विकास संकल्पित हम यानी वी फॉर डेवलपमेंट थीम पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 8 पीठासीन अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला विधायक भी भाग ले रही हैं। 25 विधानसभाओं और 5 विधान परिषदों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे। विकास को आधार मान करके और विकास के लिए सभी लोग एकत्रित, विकास में कोई राजनीति नहीं होती है, वो जनता के लिए होता है और इसलिए जनप्रतिनिधि विकास के लिए कैसे काम करें, तो इस बार भी हमने उसी आधार पर एक सम्मेलन कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, जो कल और परसों दो दिन आयोजित की है, 10 और 11। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और सांसद भर्तृहरि महताब के साथ कल्याण बनर्जी विधायकों को संबोधित करेंगे। इसका मकसद आपसी तालमेल को बढ़ाना और एक दूसरे के अनुभव को साझा करना है। सम्मेलन के दौरान विकास प्रक्रिया में विधायकों की भूमिका और विकास में संसाधनों का बेहतर उपयोग विषय पर चर्चा होगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत अल्प विकसित 101 जिलों की विकास योजना के बारे में भी प्रस्तुति देंगे। वी फॉर डेवलपमेंट, हम विकास के लिए हम किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि केवल मैं मानती हूँ यहाँ कुछ घोषणाएं करके या केंद्र आधारित कुछ परियोजनाएं चला करके केवल विकास नहीं हो पाता जब तक वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा। समापन सत्र में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को मौजूद रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब देश भर की विधानसभाओं और विधान परिषद के सदस्यों का इस तरह का सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले महिला विधि निर्माताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह इस समय संसद भवन परिसर से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, इस सम्मेलन के महत्व को हम आपके जरिए समझना चाहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा और किस तरह से अहम है ये सम्मेलन, क्योंकि पहली बार अपनी तरह का ये सम्मेलन हो रहा है। जी प्रीति, जो हमारा जो सेंट्रल हॉल है जहाँ की भारत के जो है भविष्य के निर्माण के लिए हमारा संविधान बना, वो जो है सेंट्रल हॉल आज एक गवाह बनने जा रहा है। एक अपने आप में एक अभिनव प्रयास का जो कि स्पीकर लोकसभा ने किया, और महिलाओं के सम्मेलन के बाद ये दूसरा सम्मेलन है जिसको कहेंगे कि पूरे देश भर के विधायकों का सम्मेलन हो रहा है और उसमें हर राज्य के चुनिंदा विधायक वो शामिल हो रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी पिछड़े हैं, और ये अपने आप में एक नई पहल है प्रीति, कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि जो हमारे जो संघीय व्यवस्था है उस वो राज्य और संघ माने भारत सरकार जो है ये दोनों मिल करके एक संघीय ढांचे का निर्माण करते हैं, और जो हमारे 38 राज्य हैं, 38 विधानमंडल हैं जो जिसको कहेंगे, वो विधानमंडल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसे ही कानून बनाते हैं, बजट पारित करते हैं जो कि जैसे कि संसद करती है, और संविधान में जो करीब 66 विषय ऐसे हैं जो विधानमंडलों को दिए हुए हैं, तो ये कुल मिला करके जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वो, लेकिन जिसको ग्रास रूट की पॉलिटिक्स कहते हैं उसमें विधायक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और लेकिन दिक्कत यह है कि वो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन होता है, उसमें सदन संचालन कैसे हो इस पर चर्चा होती है, विधायक विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, इसको केंद्रित करके जो है ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है प्रीति, इसमें न केवल विधायक बल्कि जो है जो बड़े दिग्गज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, केंद्र के मंत्री हैं, हमारे लीडर अपोजिशन है जो कि जिसको कहिए जो राज्यसभा के, वो सब लोग जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है वो आपस में विचार विमर्श करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे। बिल्कुल, तो एक बहुत ही अभिनव पहल है इसको कह सकते हैं प्रीति। बिल्कुल, और इसे लेकर हम तमाम आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे और इस सम्मेलन का सीधा प्रसारण भी राज्यसभा टीवी पर होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को गतिरोध बरकरार रहा। विपक्षी दलों और एनडीए की सहयोगी टीडीपी के अवरोध की वजह से कोई विधायी कामकाज नहीं हो पाया। पूरे हफ्ते सदन में ऐसा ही माहौल रहा। शून्यकाल के दौरान पत्र और रिपोर्ट पेश करने के तुरंत बाद ही अवरोध शुरू हो गया। कांग्रेस बैंकों में फ्रॉड का मसला उठाते हुए प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रही है, साथ ही वोटिंग के नियम के तहत इस मसले पर चर्चा चाहती है। सरकार ने लगातार कहा है कि वो पीएनबी बैंक घोटाले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम 168 के तहत वो चर्चा पर सहमत नहीं है। वहीं डीएमके और एआईएडीएमके के सांसद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, तो टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़ी है। शून्यकाल की कार्यवाही करीब 15 मिनट ही चल पाई। अवरोध की वजह से सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी। लंच के बाद भी माहौल में बदलाव नहीं हुआ। अवरोध को थमता नहीं देख उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं लोकसभा में शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी गतिरोध बरकरार रहा। विपक्ष के कई मुद्दों पर अवरोध की वजह से विधायी कामकाज नहीं हो पाया। इस तरह से बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले हफ्ते में अवरोध की वजह से सूचीबद्ध विधायी कामकाज नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट के सम्मान से मृत्यु के फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये एक संवेदनशील मसला है और इसके लिए एक सुरक्षित तंत्र भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरी तरफ कई प्रोफेसर, मनोचिकित्सकों, वृद्धाश्रम की संचालकों और रिसर्चर ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंजूरी के बाद उन मरीजों को सपोर्ट सिस्टम पर जीने के दर्द से छुटकारा मिलेगा जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मान्यता देते हुए लाइलाज रोगियों को सम्मान के साथ मृत्यु की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए नियम और प्रक्रियाएं भी तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय दिशा निर्देश सरकार की ओर से कानून बनाए जाने तक लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया यानी सम्मान के साथ मृत्यु की इजाजत दे दी है। संविधान पीठ ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि अगर पहले से लिविंग विल नहीं है तो परिवार का सदस्य या दोस्त हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो तय करेगा कि पैसिव यूथेनेशिया की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता है। मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता हूं कि जब मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूं और मेरी जिंदगी सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ही आगे बढ़ाई जा सकती है और उसके बगैर नहीं चलेगी, तब मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से चले, तो वो ऐसा एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल भी मानना पड़ेगा सबको, डॉक्टर्स को भी और उसके फैमिली वालों को भी। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि सम्मान के साथ मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति लाइलाज रोगों के मामले में लाइफ सपोर्ट या इलाज लेने से इनकार करने का अधिकार रखता है। लिविंग विल में कोई स्वस्थ मरीज पहले बता सकता है कि लाइलाज रोगों के मामले में रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में उसका इलाज रोक दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि लिविंग विल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो जिसमें 2 गवाह भी हों। सही मानों में एक व्यक्ति जो इस तरह से बिस्तर पर पड़ा हुआ है अस्पताल के, कि जिसको ना हालचाल है, ना जहन चलता है, ना शरीर का कोई भाग काम कर रहा है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि रिकवरी होने के कोई चांसेस नहीं है, मिराकल लाखों में एक होती है, तो ऐसी सूरत में वो राइट टू लाइफ जो है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज ओनली 50% पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू अस वी डोंट वांट टू लिव एट ऑल, वी वांट टू डाई व्हाइल वी आर क्वाइट फिट। Supreme Court judgment does not help us. Even it does not help the people who are terminally ill. संविधान पीठ के सामने सवाल था कि जब सम्मान से जीने को अधिकार माना जाता है तो सम्मान के साथ मरने को भी अधिकार क्यों न माना जाए? मरीज को उसकी मर्जी के खिलाफ सपोर्ट सिस्टम पर जीने को क्यों मजबूर किया जाए? पैसिव यूथनेशिया यानी सम्मान के साथ मृत्यु वो स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ने या लाइलाज बीमारी के चलते
इलाज देना बंद कर दिया जाता है। लंबे अरसे से चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विराम लग गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले ने संविधान के तहत दिए गए जीवन के अधिकार को भी नए ढंग से परिभाषित किया है। सवाल ये है कि क्या गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए ये फैसला किसी तरीके से राहत लेकर आएगा या फिर आने वाले वक्त में पूरे तंत्र के लिए नए सवाल खड़े करेगा। दिल्ली से कैमरामैन योगेश अग्रवाल के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक कल से नागपुर में शुरू हो गई है। बैठक में आज संघ के नए सर कार्यवाह के नाम पर मुहर लगनी है। आज वर्तमान सर कार्यवाह अपने कार्यकाल के पूरा होने की घोषणा भी कर सकते हैं। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। भैयाजी जोशी पिछले 9 साल से इस पद पर हैं। इसके अलावा सम्मेलन में RSS के एजेंडे और अगले 3 साल के लिए कार्रवाई की योजना भी बनाई जाएगी। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा RSS के निर्णय लेने वाली उच्चतम निकाय है और ये बैठक हर 3 साल पर आयोजित होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में शुक्रवार से शुरू हो गई। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में देश भर से 1500 प्रतिनिधि और संघ से जुड़े 35 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संगठन के कार्यकारी प्रमुख यानी अगले सर कार्यवाह या महासचिव का चुनाव करेगी, जो संगठन के रोजमर्रा के कामकाज को संभालते हैं। भैयाजी जोशी मौजूदा सर कार्यवाह हैं, जो 2009 से इस पद पर आसीन हैं। सारे देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया, सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और पाकिस्तान की जो दुर्नीतियां रहती हैं उसके विरुद्ध वे लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में हिम्मत के साथ खड़े रहे। उनके जीवन को लेकर सारे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। इनमें से एक प्रस्ताव भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और बोलियों के संरक्षण से जुड़ा होगा। इसलिए बोलियों और भाषाओं को सुरक्षित रखना, इनको समृद्ध बनाए रखना, क्योंकि यह परंपराओं की वाहिका हैं। इस संबंध में एक प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव को लेकर स्वयंसेवक देश भर में समाज के बीच में जाएंगे। RSS अपनी गतिविधियों का लगातार विस्तार कर रहा है। NRI समेत शहरी पेशेवरों को संगठन के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस कवायद के तहत जनवरी 2018 से 58,967 शाखा और 16,405 साप्ताहिक मिलन का आयोजन किया गया है। अपने वार्षिक प्रतिवेदन में RSS ने हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं की निंदा की और साथ ही समस्याओं को सुलझाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने पर भी जोर दिया। नागपुर से कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और नागपुर से कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, बैठक में आज संघ के नए सर कार्यवाह के नाम पर मुहर लगनी है, इसके अलावा और क्या क्या खास रहेगा आज की बैठक में? जी प्रीति, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक है वो आज और कल जारी रहेगी। कल देर शाम BJP के प्रेसिडेंट अमित शाह भी नागपुर पहुंच चुके हैं और साथ ही यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी नागपुर आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कि दोनों ही आज के सेशंस में भाग लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि रेजोल्यूशंस पर चर्चा होगी, रेजोल्यूशंस पारित भी किए जाएंगे। जो बोलियां हैं, जो इंडियन डायलैक्ट्स हैं, वर्नाक्युलर डायलैक्ट्स हैं, उनको बचाने की, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश होगी। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सर कार्यवाह का चुनाव भी जो है वो भी प्रस्तावित है। प्रीति, कई लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार बदलाव संभव है, क्योंकि भैयाजी जोशी लगातार 2009 से इस पद पर आसीन हैं। दत्तात्रेय हुसाबले का नाम जो है वो लगातार चर्चा में है, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, तो इस मसले पर आज आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कृति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो नए सरकारवा की घोषणा हो सकती है, साथ ही 3 साल में होने वाली RSS की बैठक में आगे का एजेंडा और अगले 3 साल के लिए कार्रवाई की योजना भी बनाई जाएगी। आइए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अगरतला में हुए शपथ ग्रहण समारोह में BJP के प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन के अलावा 7 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा सरकार को राज्य के विकास में केंद्र की ओर से पूरा सहयोग देने की बात कही।
अगरतला के असम राइफल्स मैदान में शुक्रवार को बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल तथागत राय ने बिप्लब कुमार देब को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बिप्लब कुमार देब भगवान दृढ़ विश्वास सहित शपथ कर आईनत प्रतिष्ठित भारतीय संविधान प्रति दृढ़ विश्वास और अनुगत्य रक्षा कर। उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव बर्मन और सहयोगी दल आईपीएफटी के प्रमुख एनसी देव वर्मा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बीजेपी के 5, आईपीएफटी के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के विकास में राज्य की जनता का सहयोग मांगा। विश्वास संगे अपने काज करबून व्यक्ति आशीर्वाद करते भविष्य त्रिपुरा करते। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की विकास यात्रा में अब दिल्ली साथ रहेगी। उन्होंने केंद्र की ओर से त्रिपुरा को मदद का भरोसा दिया। जन भागीदारी से जनतंत्र, इस मंत्र को लेकर के हम चलते आए हैं और त्रिपुरा वासी भी अनुभव करेंगे कि आपकी अपनी सरकार लोकतंत्र के अधिष्ठान पर चलने वाली सरकार, जन जन की भागीदारी के साथ चलने वाली सरकार कितनी तेज गति से परिणाम लाती है वो आप भी अनुभव करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उम्मीद जताई कि नई सरकार तेजी से राज्य का विकास करेगी। त्रिपुरा शांति के मार्ग पर आगे बढ़े, त्रिपुरा विकास के मार्ग पर आगे बढ़े और मुझे भरोसा है विप्लव जी और उनकी टीम मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा को शांति और विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगी। त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन हुआ है। राज्य में 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 35 और सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 8 सीट जीतकर सत्ता हासिल की है। बीजेपी गठबंधन ने यहां 25 साल से शासन कर रही सीपीएम को सत्ता से बाहर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद शमी से जुड़े विवाद पर इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स नजर रखे हुए हैं और डेयर डेविल्स के शीर्ष अधिकारी इस मामले में जल्द ही बीसीसीआई अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। डेयर डेविल्स बीसीसीआई से कानूनी सलाह का इंतजार कर रही है शमी को शिविर में भाग लेने की मंजूरी दी जाए या नहीं। बीसीसीआई पहले ही शमी का केंद्रीय अनुबंध रोक चुका है क्योंकि पुलिस घरेलू हिंसा के आरोपों की अपनी जांच जल्द ही शुरू कर सकती है। शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा, धमकी और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। शमी के खिलाफ उनकी पत्नी हासन जहां ने कोलकाता पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि मोहम्मद शमी ने तमाम आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत फ्रांस रिश्तों का नया दौर। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीति पर होगी चर्चा। फ्रांस के सहयोग से बन रहे जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर भी समझौते की उम्मीद। कल दिल्ली पहुंचे थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट जाकर गर्मजोशी से किया था स्वागत। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर पहले राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन की अब से कुछ देर में होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। देश भर के 200 जनप्रतिनिधि अनुभवों को करेंगे साझा। वरिष्ठ नेता विकास में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के बारे में विधायकों का करेंगे मार्गदर्शन। सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चौतरफा स्वागत। स्वास्थ्य और कानूनी विशेषज्ञों ने कहा लाइलाज मरीजों को सपोर्ट सिस्टम पर जीने के दर्द से मिलेगा छुटकारा। संविधान पीठ ने नियम और प्रक्रियाओं के लिए जारी किए दिशा निर्देश।